आज मैं विटामिन सी से भरपूर करौंदे और हरी मिर्च का अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। बरसात के मौसम में इस टाइम ये मार्केट में बहुत मिलते हैं। इसका सेवन किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। ये पेट से लेके दिल तक की सेहत को दुरुस्त रखता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर रेसिपी। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम करौंदा लिया है और 100 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्च ली है। आप नॉर्मल डेली यूज वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं। इसको धो करके पोंछ लिया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, और कट कर लिया है। अगर करौंदे का बीज कड़ा है तो बीज निकाल दें, नहीं तो रहने दें। दो चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, दो चम्मच पीली वाली सरसों और एक चम्मच काली मिर्च को लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे या हल्की खुशबू आने तक भून लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद आधा कप सरसों का तेल लेंगे और हाई फ्लेम पर धुआं आने तक गर्म करेंगे और फिर हल्का ठंडा होने देंगे। सारे भुने हुए मसाले ठंडे होने पर दरदरा पीस लेंगे। हल्के गरम तेल में आधी चम्मच हींग और आधी चम्मच कलौंजी डाल के मिक्स करेंगे और उसमें कटे हुए करौंदे और हरी मिर्च को डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च जिससे कलर अच्छा आएगा, 4 चम्मच नमक डाल करके अच्छे से मिलाएंगे। अचार को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे कि ये जल्दी खराब ना हो, 2 चम्मच सफेद सिरका ऐड करेंगे और अच्छे से अचार को मिला लेंगे। एक शीशे के जार में, जो कि बिल्कुल साफ हो ये ध्यान रखें, उसमें अचार को स्टोर करेंगे और ये अचार आराम से आप 1 साल तक एंजॉय कर सकती हैं। लीजिए, तैयार है खट्टे तीखे स्वादिष्ट कम मसाले का करौंदे और हरी मिर्च का अचार। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।